ये लोग तो आज बोल रहे हैं कि आजाद भारत में हम लोग 2014 में आजाद हुए। कैसा पागल हो गया भाजपा के लोग, मूर्ख लोग, जनता को बेवकूफ करा। 2014 में हमको आजादी मिला, क्षेत्रीय दल कभी समाप्त नहीं होगा, अब इन लोग का समाप्त होने का टाइम आ गया है। इतना गिरा हुआ इन लोग है, जब इन लोग को आज इन लोग को नीतीश खराब लग रहा, जब आपके साथ चल गया तो अच्छा था। नमस्कार, जोहार, आप देख रहे हैं विमर्श न्यूज, मैं हूं आकाश आपके साथ। आजादी का 75वां साल हो गया है और इस अवसर पर बीजेपी ने अमृत महोत्सव नाम दिया है और उसको झंडा तोलन करके एक तरह से इस तरह आंदोलन खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं और साथ में इसका गौरव दिवस का नाम कांग्रेस ने दिया है। इस पर एक ओपिनियन लेते हैं। हमारे साथ हैं प्रमोद लाल जी, जो झामुमो के वरिष्ठ नेता हैं, उनसे इसके बारे में विचार लेते हैं और जानते हैं कि क्या उनका कहना है। सर, ये बताइए कि आप लोग जो ये बीजेपी ये अमृत महोत्सव मना रही है, कांग्रेस गौरव दिवस के नाम से इसको सम्मोहित किए हैं, आप इसको किस रूप में लेते हैं? देखिए, आज़ादी हुए 75 साल हो गया और ये 15 अगस्त को 75 साल हो जाएगा जी, 76वां में हम लोग जाएंगे जी सर। अब इसको कोई अमृत उत्सव के नाम पे, कोई गौरव उत्सव के नाम पे, हेमंत सोरेन ने घर घर में झंडा लगाने का ऐलान किया, घर घर में झंडा लगाओ। और आज़ादी का मतलब क्या है कि घर घर में झंडा लगे, हर घर में झंडा लगे और लगे और हम लोग इसको 75 साल के उपलक्ष्य में हम लोग इसको आज़ादी को मनाएं। इससे पहले भी झंडा फहराया गया, लोग झंडा लगाया, ऐसे हम हिंदुस्तान के नागरिक हैं, हमारा तो कर्तव्य बनता है, हम आज़ाद भारत के नागरिक हैं, हमारा कर्तव्य बनता है जिस दिन देश आज़ाद हुआ उस दिन हमको झंडा फहराने का, हमको झंडा घर घर में लगाने का, कोई रोक टोक नहीं है। लेकिन हम लोग इस बार भाजपा के लोग अमृत उत्सव के नाम पर इस तरह का षड्यंत्र कर रहे हैं। भाजपा के समर्थक लोगों का कहना है कि 2014 में ही देश को आजादी मिली, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए भारत, देखिए 2014 में आजादी मिली, इससे पहले आजादी नहीं था क्या? तो 75 साल कैसे हो गया? इससे पहले आजादी 2014 में आजादी मिला तो 75 साल कैसे हो गया जी सर? ये तो बहुत बड़ी बात है। आजादी उसी समय मिला, अंग्रेज को भगाकर, जिस समय देश की आजादी का 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, उसी को लेकर ना हम लोग 75 साल का गिन रहे हैं। ये लोग तो आज बोल रहे हैं कि आजाद भारत में हम लोग 2014 में आजाद हुए। कैसा पागल हो गया भाजपा के लोग, इस तरह का बयान देके देश के लोगों को भ्रमित करने का प्रयास कर रहा है। हम लोग किताब में पढ़ते हैं, हम लोग छोटे से पढ़ते हुए आए हैं कि देश की आजादी 15 अगस्त 1947 को देश की आजादी हुआ, तिरंगा फहराया गया। लेकिन ये मूर्ख लोग जनता को बेवकूफ करा, 2014 में हमको आजादी मिला। सर, ये झारखंड के जो जिला संपर्क कार्यालय है जमशेदपुर का, इससे मेन संदेश आप क्या देना चाहेंगे, मुख्य संदेश? हम लोग चाहेंगे कि भारत देश के वासी, भारत देश और झारखंड वासी अच्छा तरीका से इस आपसी सद्भावना के साथ तिरंगा फहराए और आपसी प्रेम रखे। झारखंड में हमारे ओर से, झारखंड मुक्ति मोर्चा की ओर से हम बधाई देते हैं 75वां जन्म स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में, हम बधाई देते हैं कि आप अच्छा तरीका से, भारत देश के नागरिक है, आपका कर्तव्य बनता है इस आज़ादी के लड़ाई में। जितने लोग शहीद हुए हैं, काफी लोग शहीद हुए हैं भारत की आज़ादी की लड़ाई में, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सारे लोग महान पुरुषों ने देश की आज़ादी में लड़ाई लड़ते हुए अपने को कुर्बानी किया। उसी तरह आज झारखंड भी बना है, आज़ादी आज झारखंड बना, आज उसके बहुत लंबी लड़ाई चली और झारखंड मिला। इसलिए हम चाहेंगे कि आज इन लोग, भाजपा के लोग बोल रहे 2014 में देश की आज़ादी, कैसा बेवकूफ है भाजपा के लोग, इन लोग का माथा में पागलपन आ गया है, इन लोग सोच रहा हम ही लोग आजादी, इन लोग आज़ादी के जब हो देश की लड़ाई चल रहा था, इन लोग गुलाम मतलब अंग्रेज के साथ दे रहा था, भाजपा के लोग अंग्रेज को साथ दे रहा था। सर, बिहार में जेपी नड्डा ने कहा कि ये चुनाव जो अभी गठबंधन बना, उसके पहले वो बिहार आए थे बीजेपी के कुछ कोर कमेटी की बैठक में, उन्होंने कहा कि अब विपक्ष को रहने ही नहीं देंगे, हम सिर्फ हो जाएंगे, इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, ये उन्होंने कहा कि क्षेत्रीय दल को हम समाप्त कर देंगे जी। आज उनको मालूम नहीं है नड्डा साहब जी, भाजपा कैसे आगे बढ़ा, क्षेत्रीय दल से मिल के आगे बढ़ने का काम किया। अटल बिहारी वाजपेयी के समय का देख लीजिए या बाद में देख लीजिए, आप लोग इतना सीट कैसे बढ़ा लिए? क्षेत्रीय दल कभी समाप्त नहीं होगा, क्षेत्रीय दल में जो लोग क्षेत्रीय दल करते हैं, कभी क्षेत्रीय दल इन लोग का दम नहीं है समाप्त कर सकता, अब इन लोग का समाप्त होने का टाइम आ गया है।
बिहार इसका एग्जाम्पल है। आने वाला समय में ये अब भाजपा का सफाया होगा हर स्टेट से, इसलिए इन लोग का अब अकबकी लग गया है कि बिहार में इस तरह का गठबंधन टूट गया। नीतीश बाबू आरजेडी के साथ सरकार बना लिए, इन लोग की चटपटी है। कभी झारखंड को गिराना चाहता है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस के मिली जुली सरकार को गिराना चाहता है, कभी महाराष्ट्र में गिरा दिया इन लोग उद्धव ठाकरे का सरकार को और सरकार बना दिया। इतना गिरा हुआ इन लोग है। जब इन लोग को आज इन लोग को नीतीश खराब लग रहा है, जब आपके साथ चल गया तो अच्छा था, आज इन लोग खराब लग रहा है। नीतीश आज बोल रहा है नीतीश बाबू मतलब जंगल राज के साथ मिल गए। जंगल राज बिहार में नहीं है, इन लोग का जंगल राज है। मोदी साहब का अगर कोई भी एमपी बिना मोदी साहब से पूछ के इधर जाने का काम करेगा, डिटेक्टरशिप है मोदी साहब का। जंगल राज उसी को कहते हैं, डिटेक्टरशिप को जंगल राज कहते हैं। तो ये थे हमारे साथ प्रमोद लाल जी, उनका साफ कहना है कि बीजेपी जो है अमृत महोत्सव का नाम दिया है, पर हम लोग भी इसको आजादी को एक अच्छे रूप में लेते हैं और हम लोग भी अपने रूप में इसे मना रहे हैं। और बीजेपी या हो या कांग्रेस हो या झामुमो हो, सब अपने रूप में मना रही है और इस दिन से बहुत खुश है और इसके उपलक्ष्य में वो बहुत अच्छे से इसको मनाएंगे। और साथ में उनका ये भी कहना है कि क्षेत्रीय दल कभी खत्म नहीं हो सकता। बीजेपी के लोग ने जो जेपी नड्डा ने जो बयान दिया था, उस पर इनका साफ कहना था कि क्षेत्रीय दल को खत्म समाप्त नहीं किया सकता है। आज़ादी का ही एक तरीके का कहा जाए कि आज़ादी ही एक ऐसी चीज़ है जिसके कारण झारखंड को अलग राज्य मिला और उसी तरह आगे वो बढ़ेंगे और झारखंड को पूर्ण रूप से अच्छे विकास के रूप में लाएंगे। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं और विमर्श न्यूज़ के सभी दर्शकों से ये कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल को यूट्यूब पर देख रहे हैं तो इसे जाके जल्दी सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। और अगर आप इसे फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज पर जाकर लाइक कर दें और इसके साथ में फॉलो बटन दबा दें। इसी के साथ हम विदा लेते हैं, अगले वीडियो के लिए धन्यवाद।